डॉक्टर बाबीशी, अभी भी आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि घर घर जाकर टेस्टिंग पर जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्योंकि गांवों की तरफ कोरोना बढ़ चुका है, गांव वाले ना इतने वो उनके पास सूचना है और ना इतने साधन है, कितना बड़ा ये कदम होगा अगर ये होता है तो? जी धन्यवाद। आइए, ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप होगा। इसका एक बहुत ही अच्छा अहमियत है कि गाँव में एक्चुअली टेस्टिंग फैसिलिटीज़ जो होती है वो बहुत कम होती है, तो घर घर में जाके अगर टेस्टिंग करते हैं तो एक तरह से एक्चुअल नंबर्स जो कोरोना के हैं वो हमारे सामने आएंगे और दूसरी तरफ हमें उनका जल्द से जल्द इलाज हो सकता है। ठीक है, हमारे साथ नागपुर से रवि चंद्र जुड़ चुके हैं। रवि जी, सवाल पूछिए। हेलो जी रवि जी। हाँ जी, मेरे को 28 तारीख को कोरोना हुआ था, 28 मार्च को, और 7 अप्रैल को लगभग मैं रिकवरी स्टेज में आ गया, तो मैं वैक्सीन ले सकता हूँ क्या सर अभी? ठीक है, डॉक्टर बाग्ची। जी, आपका 28 तारीख को अगर आप संक्रमित हुए थे और अगर आपको कोरोना हुआ था और अगर आप आपके मतलब एक हफ्ता हुआ है, आपको एक हफ्ता से ज़्यादा थोड़ा हुआ है, आपको मेरे ख्याल से वेट करना चाहिए एटलीस्ट फॉर 4 वीक्स। 4 वीक्स 5 वीक्स के बाद आप ले सकते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, इनको 28 मार्च को हुआ था और ये 8 अप्रैल को हो गए थे नेगेटिव। 8 अप्रैल को? अच्छा। हेलो जी 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 बोलिए। अगर आप हाँ जी तो अगर उनको 28 मार्च को हुआ है और अगर मतलब उसका मतलब है कि उनको एटलीस्ट 6 वीक्स हैव बीन पास्ट, सो वो वैक्सीन जरूर ले और वैक्सीन के लिए उनका नाम दर्ज करें। ठीक है, एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ पुणे से शांति हैं। शांति जी, सवाल पूछिए। हरी कपूर हमारे साथ हैं बरेली से। अच्छा, हरी जी से भी संपर्क कट गया, तो लगातार दर्शक हमें फ़ोन कर रहे हैं, आप अपने सवाल हमारे हम तक पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर इस वक्त हमारे साथ हैं, इनसे आप बात कर सकते हैं। लगातार दर्शक हमें फ़ोन कर रहे हैं। अच्छा, ये जो 6 महीने की बात आई डॉक्टर बाग्ची की, केंद्र सरकार ने कहा कि 6 महीने के बाद आप लीजिएगा अगर आप पॉजिटिव हो जाते हैं, तो 6 महीने तक या फिर 3-4 महीने बाद भी ले सकते हैं वैक्सीन? देखिए, क्या है कि क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले हमारे प्रैक्टिस में आ रहे हैं कि कोरोना के इन्फेक्शन, एक्टिव इन्फेक्शन होने के बाद 2 महीने के होने के बावजूद भी उनको री इन्फेक्शन्स हो रहे हैं, तो जितना जल्दी हो सके उतना ज़्यादा अच्छा है। पर क्योंकि उनका इन्फेक्शन एक हफ्ते या इन्फेक्शन के होने के बाद एक महीना या 6 हफ्ते तक उनका एक्टिव इम्यूनिटी होता है, तो ये ज़्यादा अच्छा है कि 6 हफ्ते तक एटलीस्ट वेट करें उनका वैक्सीनेशन होने के पहले। हमारे साथ मध्य प्रदेश से अमित हैं एक दर्शक। अमित जी, सवाल पूछिए। सर, मैं यूँ पूछना चाहता हूँ, जैसे कि सिम्टम आए थे हमको और ठीक हो गए हम, 10-12 दिन 13 दिन हो गए, और अभी 2-4 दिन से हमको हल्की सर्दी रहती है और अभी कल से मेरे को एक नाक थोड़ा बंद रहता है, तो ये खुल जाता है तो ये बंद रहता है, क्या प्रॉब्लम है मतलब? डॉक्टर बाबीशी। हाँ जी, आपके अगर एक्टिव जो आपका इन्फेक्शन है, अगर आपके एक्टिव इन्फेक्शन का दौरान मतलब 2 हफ्ता या 3 हफ्ता अगर हो चुका है, तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ ये रेसिडुअल इफेक्ट है, इसकी चिंता मत करें। ये दवाई खाने या आपके डॉक्टर के पास जाके आप कंसल्ट करें, आपको आराम मिलेगा दवाई लेने से, मतलब आपको इसका मतलब ये नहीं कि आपको वापस इन्फेक्शन हुआ है। पुणे से लक्ष्मी हमारे साथ हैं। लक्ष्मी जी, सवाल पूछिए। हेलो जी, पूछिए सवाल। हमारी माँ की 100 उम्र है, उसको वैक्सीन दे सकते हैं क्या? अच्छा, डॉक्टर बाबीशी। सॉरी, आप वापस रिपीट करें। इनकी माँ जी की उम्र 100 साल बता रही है, क्या उनको वैक्सीन दे सकते हैं? लक्ष्मी जी, यही सवाल है ना आपका? लगता है फोन कट गया। जहां तक मुझे समझ आया, इनकी माँ की उम्र 100 साल है, क्या ये वैक्सीन दिलवा सकती है उनको? हाँ जरूर, एक्चुअली 100 जो बुजुर्ग लोग हैं उनका सबसे ज्यादा गंभीरता से संक्रमित होने का कारण बन सकता है कोरोना,
उनको वैक्सीन जरूर लेना चाहिए। ठीक है, पंजाब से जोगिंदर हमारे साथ हैं। जोगिंदर जी सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मेरे को कोरोना हुआ था फरवरी 28 में, 3 को मैं डिस्चार्ज हुआ था हॉस्पिटल से, तो मैं ठीक हूँ, दर्दें होती हैं काफी, तो मैंने अभी वैक्सीन नहीं ली, क्या मैं वैक्सीन लगवा लूं अभी के 3 महीने 4 महीने? जोगिंदर जी आप नेगेटिव डेट बताइए, नेगेटिव कब हुए? नेगेटिव मेरा 10 तारीख को नेगेटिव था, 15 मार्च को नेगेटिव हो गए। जी जी ठीक। अच्छा, क्योंकि आपने आपको ऑलरेडी संक्रमित हुए थे, काफ़ी अरसा हो गया है, मेरे ख्याल से 2 महीने आपका क्रॉस हो चुका है, आपको वैक्सीन ले लेना चाहिए। हरियाणा से सुभाष हमारे साथ हैं। सुभाष जी सवाल पूछिए। सर, मैंने वैक्सीन लगवा ली, लेकिन मेरा मन है ये वैक्सीन छोड़ के स्पूतनी लगवाने का। अच्छा, नहीं तो आपने कौन सी लगवाई अभी? एक डोज लगी है, डिस्पेंसरी में लगवाई थी। कौन सी पता है कुछ? कोविशील्ड, कोवैक्सीन, कोई नाम पता है? कोवैक्सीन। कोवैक्सीन। डॉक्टर, अब इनको स्पुतनिक वी लगवाने का मन है। जी, इसका उत्तर मेरे पास खास है नहीं, क्यों आपको अगर कोवैक्सीन मिलने के बाद आप स्पुतनिक लगा सकते हैं, हाँ, बट एक बात जरूरी है, एक डोज वैक्सीन लेने मिलने के बाद आपको अच्छा खासा इम्यूनिटी आ चुका होगा, मतलब आप गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। नहीं डॉक्टर, लेकिन क्या दो वैक्सीन मिक्स कर सकते हैं क्या? एक डोज किसी और वैक्सीन की, दूसरी डोज किसी और वैक्सीन की? हाल में उसका उत्तर मेरे पास नहीं है, काफी जांच पड़ताल चल रही है इसके बारे में, तो उसके स्टडीज के रिसर्च आने के बाद, रिजल्ट आने के बाद मैं उसका उत्तर बाद में दे सकता हूं। तो तब तक फिलहाल एक ही वैक्सीन तक रहे स्टिक, ये कह सकते हैं? जी हाँ। ठीक। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।